आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए चार चार फंदों का डिज़ाइन लेके आए हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, जितना ही बनाने में आसान है उतना देखने भी बहुत सुंदर लगता है। कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। फर्स्ट रो हम शुरू करेंगे, जो पहला तागा हम स्लिप करेंगे, तीन फंदों का हम सीधा बुनेंगे। तीन फंदे हो गए, कपन स्लिप किया था, दो हमने बुनाई किए थे, चौथे फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे। एक, दो, तीन, तीन फंदों को हमने बुनाई किया, चौथे को स्लिप किया। लास्ट वाले को ऐसे ही बुनाई कर लेंगे। अब हम आगे सेकंड रो, जो हमने बुनाई किए हैं उनको हम बुनाई करेंगे, जिस धागे को हमने स्लिप किया है उसे स्लिप ही करेंगे। सेकंड रो, जो हमने फंदा स्लिप किया था उसे स्लिप करेंगे, बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। हम स्लिप करते हैं उसे तीन रो में स्लिप करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो स्लिप किया है उसे स्लिप करेंगे। अब हम डिजाइन की लास्ट सिलाई पे हैं। बैक साइड से है, हम सीधी ओर से इसे सीधा सीधा बुनेंगे। वन, टू, जो स्लिप किया था उसे हम उल्टा बनाएंगे। जो फंदे हमने सीधे बुने थे उन्हें हम सीधा बुनेंगे उल्टी साइड से, जो स्लिप किया था उसे उल्टा बनाएंगे। इस तरह से ये फोर रोल का हमारा डिजाइन है। अब हम क्या करेंगे, इसे फोर रो को दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन इसकी जो हमने ये फंदा स्लिप किया था इसकी जगह चेंज होगी। अब हमने कैसे करना है, जो ये फंदा है जो हमने पहले स्लिप किया था वो जो हम दूसरा डिजाइन बनाएंगे उसके बिचकार लाना चाहिए, मतलब ये तीन को आना चाहिए। हम पहले आपका एक तागे को अपना जैसे बुनाई कर लिया, स्लिप कर लिया, दूसरे को हम स्लिप करेंगे। अब हम तीन फंदों को, जो इस वाला है ये हमारे दूसरी बार जो हम डिजाइन चेंज करेंगे उसके में बिचकारला तागा होगा, इस तरह से हमें सीधा बुन लेंगे। इसे स्लिप करेंगे, फिर सीधी बुनाई करेंगे, स्लिप करेंगे, सीधी बुनाई करेंगे, स्लिप करेंगे, सीधी बुनाई। आगे वही रिपीट करना है जो हमने पहले किया था, बस इस डिजाइन की हमने ये जगह चेंज करनी है। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं।